आपको पता है वो अजीत अपनी और बिंदिया की फोटोज और वीडियो स्क्रीन पे चलाने वाला है सबके सामने। What? और क्या, इसीलिए अगर आप मदद नहीं कर सकते हो ना तो एटलीस्ट लेक्चर मत दो। कम ऑन गाइस, जयमाला होने वाली। हम बस आ रहे हैं, तुम जाओ, हमारे। तुमने अजीत की कोई फोटो देखी? तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है क्या? वो बिंदिया का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो माता रानी नहीं जो गुड लक के लिए हम हर जगह उसकी फोटो लेकर घूमेंगे। हमने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ गया। ऐसे खंबे की तरह खड़े रहकर ना कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो सोचो। तुम्हें भी मुझसे इसी वक्त पर लड़ना है क्या? वो अजीत बिंदिया और उसकी फोटो। एक मिनट, अगर वो फोटोज और वीडियोस डिस्प्ले करने वाला है तो वो एक ही जगह गया होगा। कंट्रोल रूम। क्या टाइम लग सकता है? पापा को फोन करके बता देते हैं। ए, पीछे। तलाशी पूरी होने तक कोई अपना फोन यूज नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, ये आश्रम बेसहारा बच्चों और बुजुर्गों के लिए। पर दुबे इन दोनों में से कोई नहीं है। ये हमको नहीं पता था सर, हमने तो उसे बेचारा ही समझा था। हम लोग तो दिवाली की तैयारी कर रहे थे। कौन किसकी क्या तैयारी में लगे थे सब पता चलेगा। सर, स्वामी के कमरे से बैग मिला। स्वामी जी, इतने सारे पैसे और गन आपके कमरे में कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे कमरे में कहां से आया। सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो, तब पता चलेगा किसका है। अनर्थ हुआ जा रहा है मिश्री, तू कहां है? पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वरवा दूर माला के लिए खड़े हो जाएगी। ट्रेन छूटती जा रही। तुम क्या कभी नॉर्मल बात नहीं करती क्या? काश हमें आपसे बात ही ना करनी पड़ती। अर्जुन बेटा। माँ, कहाँ जा रहे हो? माँ बस अभी आया। अरे माँ, अभी एक छोटा सा काम है। अरे रुको तो सही। अभी आया। अरे कल्पना सुनो, मैं कह रहा था क्या? अरे देखा आपने? क्या? आपका बेटा लड़की के पीछे जा रहा है। जी देखा, और ये भी देखा कि कितने गुस्से में जा रहा है। कल्पना जयमाला देख ले। चलो। दरवाजा लॉक है। अब क्या घूर घूर के दरवाजा खत्म करोगे? अजीत ओपन द डोर, अजीत ओपन द डोर आई सेड। ओ मिस्टर इंग्लिश मीडियम, क्या पता उसे इंग्लिश आती भी हो या नहीं। जी तो बदल जाओ। तो बिंदिया मेरी नहीं हुई, मैं उसे किसी के नहीं होने दूंगा। पहले आगे बढ़ चलेंगे फिर बदलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए, ये गन, ये पैसे मेरे कमरे में कहां से आए मुझे कुछ नहीं पता है। साहब, बाबा तो मार धाड़ वाली पिक्चरें तक नहीं देखते, ये गन कहां से लाएंगे? जरूर इन्हें फंसाने की साजिश हो रही है साहब। आश्रम की आड़ में बदमाशों के लिए सराय चलाते हुए पकड़े गए। स्वामी जी, अब तो आप लंबा अंदर जाएंगे। मैं बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा विश्वास तो कीजिए। तो साबित कीजिए। दुबे जब इस आश्रम में रहने के लिए आया था तब उसकी सारी डिटेल्स आपने रजिस्टर में लिखवा ली होगी ना? कोई आई डी वाई डी चेक किया होगा? जले क्या? ए प्रिया, दुबे को तू ही लाई थी ना, बोल ना कहाँ मिला था वो तुझे। ए दुबे को तुम ही यहाँ लाई थी? नहीं, मैंने लाई थी, मिश्री लाई थी। झूठ, मिश्री ऐसे आदमी को ला ही नहीं सकती, उसको तूने कुछ पट्टी पढ़ाया होगा। चुप। ये मिश्री कौन है? दरवाजा खोलो,
अजीत दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये बुलाओ जिसको बुलाना है, पुलिस क्या पूरे शहर को बुलाओ। जब बिंदिया की बेइज्जती हो ही रही है तो अच्छे से हो, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। अजीत दरवाजा खोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दरवाजा खोलो। ये दरवाजा खोलो क्या लगा के रखा है? अरे एक ही बात बोल बोल के कान दुखा दिया हमारे। तो क्या बोलो, दरवाजा बंद रखो, अंदर ही बैठे रहो। अगर तुम इतनी स्मार्ट हो तो तुम बात करके देखो। अब दूसरा पहरा तो हो चुका है तो जल्दी करना। अब देखो 2 सेकंड में कैसे दरवाजा खुलता है। अजीत जी, जो आप ये करने जा रहे हो ना वो गलत है, और जानबूझ के गलती करना घोर पाप है। प्लीज अजीत जी, पापी मत बनिए, प्लीज दरवाजा खोल। हो गया तुम्हारा, हटो हटो। अजीत, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आना तो मैं अंदर आ रहा हूँ, और जब मैं अंदर आऊंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो। दरवाजा खोलो अजीत। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कहीं इसने अपना कांड शुरू तो नहीं कर दिया? फेरी भी खत्म होने वाले। वो मेरा पेशेंस भी। अजीत दरवाजा खोलो। कब तुम लोग दिव्या की इज्जत का तमाशा देखो? देखो मैं उसकी इज्जत कैसे दिलाम करता हूँ। बता तो देती, लाइट बंद कर रही हो? हाँ हाँ, हमारे पास सारा दिन जो पड़ा था ना। हम लाइट बंद करने वाले 6 words। हम मैं नहीं। फिर भी 6 words ही हो। हमारा बस चले ना, तो अब से 6 क्या, एक भी शब्द ना बोले। मुझे भी तुमसे बात करके कोई लड्डू नहीं मिल जाता। गॉड, मैं तुम्हारी तरह क्यों बात कर रहा हूँ? अब लाइट्स ऑन करोगी? हाँ। आप कन्या की मांग हिंदू से भरी, विद्य ही देवी कल्याणम, विद्य ही परमाश्रयम। तुम्हें कि किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन की आत्मा मत मांग गई है क्या? ऐसे जोर से नहीं चिल्ला रहे हो? अरे अगर प्यार में रिजेक्ट हुए थे तो कुछ दिन रोंदू गाने सुनते, आगे बढ़ते, पर तुम तो साइको हो गए। किस खुशी में? विद्या ने मुझे धोखा दिया है। कोई लड़की अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेती है तो वो धोखा होता है। तुम उसकी लाइफ कंट्रोल करो, उसे ब्लैकमेल करो, वो ठीक है। मैं प्यार करने वालों को समझता नहीं हूं, लेकिन जो लोग लड़कियों की इज्जत नहीं करते उन्हें समझाना मुझे अच्छी तरह से आता है। अब बिंदिया या किसी और लड़की के बारे में कुछ भी गलत कहने की कोशिश करी तो अकड़ और हड्डी दोनों में से पहले क्या टूटेगी उसका रिस्पॉन्सिबल अर्जुन अवस्थी नहीं होगा। विधान के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। हे माता रानी, मेरे अर्जुन की जिंदगी में ये खुशी कब आएगी? बस आती ही होगी। तुमने ही कहा था ना, पुलिस के साथ साथ पूरे शहर को बुला लो। पूरे शहर को बुला लिया। और कुछ नहीं, हमें पता नहीं था कि प्यार हेटर दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए इतनी भी मेहनत कर सकता है। मुझे भी पता नहीं था कि तुम्हारा जो थोड़ा बहुत दिमाग है वो तुम मुश्किल सिचुएशन में यूज कर सकते हो। अच्छा, बेइज्जती की प्लेट में तारीफ परोस रहे हो। कोई बात नहीं, मिस्ट्री माइंड नहीं करेगी। हे गाइस, तुम लोग यहाँ वेन्यू पर होकर भी तुम लोगों ने शादी अटेंड नहीं की, आपस में इतने बिजी हो क्या? अजीत, गाइस ये हम बताते हैं।
राकेश राकेश रिलैक्स, पुलिस आ रही है, इसकी सारी लाइफ जो है जेल में कटेगी, और तुम फिक्र मत करो, इसे बाहर से लेके जाएंगे, शादी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और तू तो अब ये गुस्से वाली शक्ल बनाकर अपना मूड और मेकअप मत खराब कर, जा अंदर जा। मैं ये रुकता हूँ तुम लोग के साथ। नहीं, हम इसे पुलिस के हवाले करके अंदर आएंगे, तुम जाओ। अर्जुन और मिश्री, तुम लोगों ने आज जो कुछ भी किया ना, उसके लिए थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है। तो अंदर जाकर बड़े बड़े वर्ड सोच लेना, ठीक है? हम आते हैं। थैंक यू गाइस। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो विकास, तुझे पता है? क्या हम अभी आ रहे? क्या हुआ? अरे सुनो, अच्छा है बेटा तू आ गई। ये सब क्या है? पहले बेटा तू ये बता कि ये राधे तुझे कहाँ मिला था? हमें कहाँ मिले थे? हमने बताया था आपको, वो तो प्रिया हमारे पास लेकर आई थी। मेरे कौन से दूर के रिश्तेदार थे? मैं तो तुझसे इंस्पायर होकर एक स्ट्रेंजर की हेल्प कर रही थी। पर जिस तरह तूने उन्हें मिलवाया था हमसे, हमें लगा कि तू पहले से जानती है। वो तो तेरी गलती हुई ना, मैं तो हुई फ्रेंडली टाइप, मुझे भी वो उस दिन रोड पर ही मिले थे। सर बॉडी मिल गई। स्वामी को अरेस्ट करो। सर बाबा बेकसूर है। बाबा ने कुछ नहीं किया। बेकसूर कमरे में पैसे, गन और आंगन में लाश नहीं छुपाते। अरेस्ट हिम। बाबा ने कुछ नहीं किया साहब, आपको जेल लेकर चलना है ना, आप मुझे लेकर चलिए साहब। ड्रामा बंद करो, ले चलो इसे। मैडम आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस थाने में आके कहिएगा। विकास तू
बच्चों के साथ रहना, हम थाने जाकर आते। वैसे अरेंजमेंट बहुत अच्छा था ना, और बाकी जो छोटी मोटी कमी थी वो मेरे बेटे के डांस ने पूरी कर दी। कम ऑन माँ। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी एक खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ मैं किसी खूबसूरत लड़की की वजह से नहीं डांस कर रहा था, इसलिए डांस कर रहा था क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया था। तू सच कह रहे? जी? तू सच कह रहे? तुम्हें भी वो खूबसूरत लगी? मैंने ऐसा कब कहा? अरे अभी तो कहा तुमने। माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी कहा तुमने। अरे कहा ना अभी। चल इरिटेट मत हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो अचानक कहाँ चली गई और जाने से पहले हमसे मिलके भी नहीं गई। मुझे कैसे पता होगा माँ, और उस लड़की के अलावा और कोई बात कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तूने पेट भर के खाना खाया ना? जीप के पीछे ये कहां जा रही है? कहीं किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं है? क्या बात, तूने खाया कि नहीं? हाँ मैं खा लिया। खाया ना? खाया, चले। पेट भर के ना? जी ठीक है, चलो चलो चलो। कानून सबूत मांगता है मैडम, आपके ये आंसू नहीं, और हमारे पास स्वामी जी के खिलाफ सबूत ही सबूत है। इनके कमरे से मिला वो नोटों भरा बैग और वो गन। वो तो कोई और भी तो रख सकता ना उनके रूम में। ये अंगूठी। पापा की अंगूठी? हाँ स्वामी जी की अंगूठी। क्या कहेंगे इसके बारे में? वाह भांजी, क्या चाल चली है? आज तो तुम्हारी नजर उतरने को मन कर रहा है मेरा। किसका बुरा वक्त आया छोटे मामा, जो हम पर नजर डाल रहा है? नजर लेस ना कर देंगे। बाबा की आंखों में आंसू देकर आप लोग हंस रहे हैं, शर्म नहीं आती? मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी। ये रुक। वो मैडम जी, मैं तो मजाक कर रही थी। आगे से अगर मजाक करना हो ना, छोटे मामा के साथ करना, हमें बुरा नहीं लगेगा। हाँ अगर हमारे साथ किया तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। गला सूख रहा होगा ना? अरे कुछ नहीं होता है। बाबा, बाबा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? बिना परमिशन के आप किसी कैदी से नहीं मिल सकते। आश्रम में कई सारे बच्चे रहते हैं, और ये इंसान हम सभी के लिए माँ बाप सब कुछ है, हमारी पूरी दुनिया है सर। आपके जेल के कैदी नहीं है, और जिस शख्स ने अपनी पूरी उम्र न जाने कितनों को नई जिंदगी दी हो, वो किसी की जान कैसे ले सकते हैं? कानून सबूत मांगता है मैडम, आपके ये आंसू नहीं, और हमारे पास स्वामी जी के खिलाफ सबूत ही सबूत हैं। इनके कमरे से मिला वो नोटों भरा बैग और वो गन। वो तो कोई और भी तो रख सकता है ना उनके रूम में। अच्छा ये अंगूठी। पापा की अंगूठी? हाँ स्वामी जी की अंगूठी। क्या कहेंगे इसके बारे में? Thank you.
क्या छोटे मामा, गिरने तक पिएंगे क्या? नहीं भांजी नहीं, अब तो गिरेगा इनका आश्रम और उस आश्रम की जगह पे बनेगा हमारा मॉर्स। शाबाश प्रिया, तुमने हमें निराश ना करके हमारे सपने की ना, उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी उम्र बढ़ा ली। लाश की मुट्ठी में मिली। सर, बाबा को अक्सर एलर्जी होती है तो वो रात को अंगूठी निकाल कर सोते हैं सर। हो सकता है उस वक्त किसी ने चुरा ली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि स्वामी जी और दुबे की झड़प में स्वामी जी की अंगूठी दुबे के हाथ आ गई हो। गन पर इनके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखो, ये है वो रिपोर्ट, देख लो। बेचारे स्वामी पे तो बहुत तरस आता है, लेकिन उससे कई ज्यादा हमें मजा भी आता है। भांजी, अगर दुबे की लाश को सही टाइम पे ठिकाने नहीं लगाते ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। हाँ सर, बाबा बेकसूर है सर, बाबा ने कुछ नहीं किया सर, आप प्लीज सर समझिए सर। मेरे साथ यहाँ बहस करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, अगर कुछ करना ही है तो जाके अच्छा सा वकील ढूंढिए। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं और ये हथकड़ी क्यों पहनाई? सबूतों के साथ साथ हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने खुद अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। कौन है ये झूठा गवाह? प्रिया, वो खुद बयान देने आई थी यहाँ पर। प्लीज हमारे बाबा की केस लड़ी है सर। लेकिन मैं हर एक हेयरिंग का 50,000 रुपए लूंगा। पैसे कहाँ से लाएंगे? वो भी वकील बताएगा। थैंक्स अर्जुन, अब तो मैंने समझा ना। नो थैंक्स, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं और ये हथकड़ी क्यों पहनाई? सबूतों के साथ साथ हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने खुद अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। कौन है ये झूठा गवाह? प्रिया, वो खुद बयान देने आई थी यहाँ पर। प्लीज हमारे बाबा की केस लड़ी है सर। लेकिन मैं हर एक हेयरिंग का 50,000 रुपए लूंगा। पैसे कहाँ से लाएंगे? वो भी वकील बताएगा। थैंक्स अर्जुन, अब तो मैंने समझा। नो थैंक्स, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है।